सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनू तनवर और आज मेरे साथ है छोटा भाई, और साथ ही साथ हम करने वाले हैं आज एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। सो आज बाइक के लिए कुछ नया मंगाया है, देखते हैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करके किसके अंदर क्या है। सो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग को। सो कवर हटा लेते हैं पहले इसका। वैसे तो कंपनी अच्छी रैप कर दिया है। ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है और निकल चुका है खजाना, रॉयल एनफील्ड का टैग विद वार्निंग। और इसके अंदर है हमारी लाइट। बहुत जल्दी कर दी बने तारने के ऊपर से। और ये निकल के आई है हमारे पास वेरी ब्यूटीफुल सी आउटस्टैंडिंग मलुक मलुक सी लाइट। और इस लाइट को हम फिट करेंगे अपनी इस टमटम के अंदर। ये हमारी टमटम गंदी होकर आई है, सो इस टमटम के अंदर हम इसको फिट करेंगे। तो बने रहें चैनल पर मेरे साथ, और वीडियो के अंदर जल्दी हम करने वाले हैं इसका इंस्टॉलेशन। सो तब तक चैनल पर जो नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर नई वीडियो मिलती रहे आपको। सो मिलते हैं जल्दी से वीडियो के अंदर। चुका है रॉयल एनफील्ड का और बाइक बहुत बुरी हो रही है क्योंकि बारिश आई थी। बारिश का मौसम पता है आपको क्या होता है, सो इसको अवॉइड करना, ज़्यादा ध्यान मत देना। सो बाइक को हम कर लेते हैं पीछे और देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट इसके हेड को खोल लेते हैं और मिलते हैं हेड खोलने के बाद। जो हो प्रभु पकड़े से, ये खुल गया पिंजरा। ये खुल चुकी है हमारी हेडलाइट, शाबाश, बहुत अच्छे। बंद करते मेरी खतरे हुए, तो पहले फटाफट से भी खोल लेते हैं इसमें से ताकि ये इसको ला सके हम। ये सारी खुल चुकी है और लाइट बाहर आ गई है। ये क्या घूम रहा है इसके अंदर भाई? ये लाइट बाहर आ चुकी है हमारी, और इसको हम रिप्लेस क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो ये वाली लाइट है वो टूट चुकी है। करते हैं अलग, और अब इस वाले में इसको फिट करते हैं।
सो कनेक्शन हो चुका है और सिंपली कुछ नहीं करना, जो अगर आपकी बाइक नई है और आपने कुछ इसमें मेरी तरह ये मायाजाल नहीं बना हुआ है तो आप सिंपली इसके अंदर अटैच कर सकते हो और इन दोनों को भी आप इसके अंदर भेज दी ऐसे ही कर सकते हो ताकि एक जो है वो इसके अंदर ईजिली से अटैच हो जाए। और एक येलो है ये वाली और ये वाली है वाइट, तो ये दोनों जलेंगी। एक की जलेगी इससे क्या बोलते हैं इसका लो बीम पे, इसलिए हाई बीम साथ में, ठीक है। और एक कनेक्शन कर दिया हमने इसका ये वाला इस बटन साथ ताकि ये हम डे टाइम में ऑफ कर सकें। तो फिलहाल इस मायाजाल करते हैं यहाँ पे बंद और दिखाते हैं चला के इसको चलती कैसे है। सो ये लग के रेडी हो चुकी है और एक जो इसका येलो वाला पोर्शन था वो मैंने इस बटन से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे हम चाबी को ऑन करते हैं और इस वाले बटन को पुश करते हैं तो ये येलो जल जाती है, ठीक है। और इसी बटन से ये ऑफ हो जाएगी, ये हमारे लिए अलग से है, ठीक है। और अब आ रही है बाइक की बारी, बाकी जो लाइट होती हैं वो जल के स्टार्ट होने पर हमारी बाइक को हट हो चुकी है। ये ब्लिंकिंग कर रही है कि बाइक जैसे बाइक रेस देंगे उस हिसाब से इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती जाएगी। देखो ठीक है, अभी फ्लैश में 3 जल रही है। और इस बटन को अगर हम इसको हाई बीम पे करते हैं तो अब ये 4 जल जाएंगे, ठीक है। और लो बीम पे ये हमारा पासिंग का हो जाएगा, ये देखो तो ये रेडी हो चुकी है। इंस्टॉलेशन कुछ खास नहीं है, मैंने दिखा दिया आपको, सिंपल वही करना है जो आपके 3 प्लग दिए हुए हैं उसमें अटैच कर देना है और बाकी आप इसको अलग से करना चाहते हैं तो उसके लिए बटन ऐड कर लेना, ठीक है, इतना करना है। बाकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो और साथ ही साथ मैंने ये शील्ड भी लगा दी ऊपर से ताकि इस पर कोई आँच ना आए, प्रोटेक्शन लाइट कुछ में। और अब ये शील्ड को रेडी, मस्त ना। और कमेंट बता दूंगा साथ साथ, इसका प्राइस मेरे को पड़ा है कुल मात्र 600 रुपये का, 600 रुपये में साइड लाइट मेरे को मिल चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और चैनल पर जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना।